हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं डेटा फ्रेम्स के बीच में। सो जब आप डेटा फ्रेम्स पे काम कर रहे हो तो वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ फेचिंग द डेटा, जिसमें आप नॉर्मल इंडेक्स दे सकते हो। बेसिकली हमारे पास जो इंडेक्स है वो दो तरह के होते हैं, एक आपके पोजिशनल इंडेक्स होते हैं और दूसरे लेबल बेस्ड इंडेक्स होते हैं। पोजिशनल इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड देन 1, 2, 3 फॉर रोज एज वेल एज फॉर कॉलम्स, राइट? एंड देन वी हैव लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। सो सिंस ये जो सीरीज है जिसके अंदर आप ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज एनसीईआरटी सीरीज, राइट? तो इसमें हम एनसीईआरटी को टॉपिक बाय टॉपिक कवर अप कर रहे हैं। सो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड बताया हुआ इंडेक्सिंग के बारे में। वी हैव ओनली लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग एंड वी हैव एक्सप्लेन्ड अ बिट अबाउट बूलियन इंडेक्सिंग। अब लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग में इन्होंने लॉक फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, जबकि हमारे पास लॉक भी होता है, आई लॉक भी होता है, एट भी होता है, आई एट भी होता है, जिसके थ्रू आप डेटा को फेच कर सकते हो। उसकी डिटेल्ड वीडियो आपको जो अपनी आईपी की प्लेलिस्ट है मेन वाली उसमें मिल जाएगी, बिकॉज दैट प्लेलिस्ट हैज ऑल द ऑप्शंस कवर्ड इन एनसीईआरटी, कवर्ड इन एनी ऑफ द रेफरेंस बुक्स। तो अगर आप वो पूरी प्लेलिस्ट करते हो तो आपको कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं होगी जो मिस आउट हो जाएगी। बट दिस इज स्पेसिफिकली कवरिंग एनसीईआरटी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो आपको उसकी एनसीईआरटी जरूर एक बार पढ़नी चाहिए, राइट? सो जस्ट फॉर दैट रीजन वी आर डूइंग एनसीईआरटी टॉपिक बाय टॉपिक एंड वी आर कवरिंग इट्स एग्जांपल्स एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस काफी बार देखा गया है कि पेपर में एज इट इज आ जाते हैं, ठीक है? सो दैट्स द पर्पस ऑफ कवरिंग एनसीईआरटी। बट ज्यादा डिटेल्ड आपके पास जो है वो ऑलरेडी हमारे पास प्ले लिस्ट में है, ठीक है? तो अभी यहाँ समझते हैं कि इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। सो वॉट दे हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर इज कि आपके पास डेटा फेच करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, जिसमें आप लॉक यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर योर पर्टिकुलर पोजिशंस कि क्या फेच करना है आपको। तो अगर आपका डेटा फ्रेम आप देख रहे हो तो ये कंप्लीट डेटा फ्रेम है। अब इसने लिखा है रिजल्ट df डॉट लॉक साइंस, तो वो सिर्फ किसका डेटा दिखाएगा? साइंस वाली रो का। तो साइंस वाली रो में अर्नब के इतने मार्क्स थे, रमित के इतने हैं, समृद्धि के इतने हैं, रिया के इतने हैं, मालिका के इतने हैं। सो इट शोज यू द मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रो, ठीक है? वो आपके पास आ गया, फाइन। अब आपके पास लॉग में पहले हम रो इंडेक्स देते हैं, फिर हम कॉलम इंडेक्स देते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर रो और कॉलम की वैल्यू चाहिए, जैसे आपको साइंस के मार्क्स देखने हैं सिर्फ रिया के, तो आप लिख सकते थे रिजल्ट df डॉट लॉग साइंस कॉमा एंड देन कोट्स में रिया, तो वो साइंस के मार्क्स दिखाता सिर्फ रिया के। तो पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, ठीक है? अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, डेटा फ्रेम बनाया एक और यहाँ पे दे दिया लॉग टू। तो लॉग टू पे आपके पास क्या है, 30। वैसे तो जब हमें पोजिशनल इंडेक्स से वैल्यू फेच करनी होती है तो हम लॉग नहीं यूज करते, हम आई लॉग यूज करते हैं, ठीक है? अब अगर आपको पूरा का पूरा कॉलम चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो रो है वो मुझे नहीं बतानी, मुझे सारी रोज चाहिए, तो आई वॉन्ट ऑल द रोज। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कोलन, कोलन का मतलब है सारी रोज, कॉमा, यू हैव टू गिव नेम ऑफ द कॉलम। सो रिजल्ट df डॉट लॉग कोलन कॉमा कॉलम का नाम, उस कॉलम की सारी वैल्यूज जो है हर रो के लिए शो हो जाएगी। अगर आपको मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ पर एज अ लिस्ट मल्टीपल कॉलम हेडिंग्स भी दे सकते थे, पर जब भी एक से ज्यादा हेडिंग दोगे तो मेक श्योर कि आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट पे लिखो, क्योंकि वो लिस्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका, किसी भी एक कॉलम को डायरेक्टली दिखाना हो तो लॉक की जरूरत भी नहीं होती, आप डायरेक्ट df के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिखते हो तो उस कॉलम का डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। वी डोंट इवन हैव टू राइट लॉक फॉर दैट। तो आप कॉलम को डायरेक्टली ऐसे भी दिखा सकते हो। एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम हो तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसको फिर से स्क्वायर ब्रैकेट में देना पड़ता है, बिकॉज वी हैव टू मार्क इट एज अ लिस्ट। तो हमें उसे एज अ लिस्ट मार्क करना है, इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट तो लॉक की है, लेकिन उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, बिकॉज यू हैव टू लेबल्स, चाहे रोज के लेबल्स हो चाहे कॉलम के लेबल्स हो, ठीक है? अब उसके बाद आती है बूलियन इंडेक्सिंग। नाउ बाय द नेम इट्स क्लियर, बूलियन इंडेक्सिंग मतलब कुछ तो ट्रू फॉल्स के साथ लिंक्ड होगा, है ना? बूलियन डेटा टाइप का मतलब ही क्या है, या ट्रू या फॉल्स। अगर आप बूलियन वर्ड यूज कर रहे हो, इट इज रिलेटेड विद ट्रू फॉल्स। सो बूलियन इंडेक्सिंग क्या होता है, इट मीन्स अ बाइनरी वेरिएबल दैट कैन रिप्रेजेंट ईदर ऑफ द टू स्टेट्स, ट्रू इंडिकेटेड बाय वन और फॉल्स इंडिकेटेड बाय जीरो। नाउ बूलियन में आप कोई भी कंडीशन लगाते हो, जैसे आपने लगाई रिजल्ट df डॉट लॉग मैथ्स ग्रेटर देन 90,
अब इसमें वो चेक करेगा कि मैथ्स के मार्क्स जो है अगर तो 90 से ज्यादा है तो ट्रू दो, अगर नहीं है तो फॉल्स दो. तो उसने अर्नब के बता दिया नहीं है तो फॉल्स आ गया, रमित के हैं तो ट्रू आ गया, समृद्धि के नहीं है तो फॉल्स आ गया. सो जहां जहां पर ट्रू आएगा वहां ट्रू शो कर देगा और जहां पे कंडीशन फॉल्स होगी वहां फॉल्स शो कर देगा. सेम चीज आप कॉलम के लिए भी चेक कर सकते हो. कॉलम के लिए कैसे चेक किया है उन्होंने, रिजल्ट df डॉट लॉग कोलन कॉमा अर्नब, जैसे आप शो करा रहे थे. तो दैट मींस ऐसे लिखने की जगह मैं सीधा भी लिख सकती हूँ रिजल्ट df स्क्वायर ब्रैकेट में अर्नब ग्रेटर देन 90. सो दैट विल बी योर कंडीशन. ठीक है, अब इसमें देखो फायदा क्या होता है कि ये तो चलो कंडीशन हमने एक चीज देखी. आप यहां पर अगर लिखते हो प्रिंट df फिजिक्स ग्रेटर देन 80, ठीक है, तो मैंने क्या प्रिंट करा दिया, df फिजिक्स ग्रेटर देन 80. मुझे लॉक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट कॉलम को फेच कर सकते हैं. तो ये s1 में क्या दिखा रहा है, फॉल्स, s2 में दिखा रहा है ट्रू, s3 में फॉल्स, s4 में ट्रू. पर ये तो सिर्फ ट्रू फॉल्स दिखा रहा है. मैं सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं देखना चाहती, मैं देखना चाहती हूँ उन रिकॉर्ड्स की वैल्यूज जहां पर ट्रू आता है. सो अब जहां पर ट्रू आता है अगर आप उनकी वैल्यूज देखनी है तो आप इसके बाहर एक बार और df लगा दोगे ऐसे. सो अगर आप यहाँ पर ऐसे df लगाते हो सो ये क्या करेगा, पहले इसको चेक करेगा जहां जहां पे ट्रू आएगा, फिर df में से उन वैल्यूज को उठाएगा और उन वैल्यूज को शो कर देगा. सो ओनली दोज वैल्यूज विल बी डिस्प्लेड जहां पर ट्रू आया. तो वो किसकी है, भानु और करण की. जहां पे फॉल्स था उसको उसने शो नहीं किया, जहां पे ट्रू था उसने उसको ही सिर्फ शो किया है. सो दिस इज द टाइप ऑफ इंडेक्सिंग एक्सप्लेन इन एनसीईआरटी. बट आप जब इंडेक्सिंग पढ़ोगे तो आपको लॉक भी पता होना चाहिए, आपको आई लॉक भी पता होना चाहिए, आपको एट और आई एट भी पता होना चाहिए. दैट इज एक्सप्लेन वेरी वेल इन द वीडियोज एंड इन द प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट. आई हैव एक्सप्लेन नंबर ऑफ क्वेश्चन, हमने उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं. तो अगर आप उससे गो थ्रू करोगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय फॉर नाउ.